दोस्तों, रिवॉर्ड्स और डिस्काउंट किसे पसंद नहीं है। जब भी हम कोई नई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो हम खुद कैशबैक, रिवॉर्ड्स और डिस्काउंट जरूर ट्राई करते हैं। NCB यानी कि नो क्लेम बोनस भी एक इसी तरह का रिवॉर्ड है जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज देती है अपने उन क्लाइंट्स को जो क्लेम नहीं लेते हैं। अब नो क्लेम बोनस कितने टाइप के होते हैं, कितना आपको ये डिस्काउंट मिलता है, कितने सालों तक ये बेनिफिट आपको मिलेगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपकी जाननी काफ़ी ज़रूरी हैं, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंदर सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं DHC Solutions के YouTube चैनल पर। यहां इंश्योरेंस को समझना है बिल्कुल आसान। अगर आपको यहां पे देखी गई जानकारी पसंद आती है, आपके किसी काम आती है, आपको अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम की क्या परिभाषा है? देखिए, जब भी आप अपने किसी बीमारी के ट्रीटमेंट को अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कवर करते हैं तो उसे क्लेम माना जाता है, और किसी भी साल अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो वो क्लेम फ्री ईयर माना जाता है, और उसके बदले इंश्योरेंस कंपनीज आपको कुछ बेनिफिट्स पास ऑन करती हैं, उसे नो क्लेम बोनस कहा जाता है। ये नो क्लेम बोनस आपको हर क्लेम फ्री ईयर पर मिलेगा। अब ये कितने टाइप से आपको बेनिफिट पास हो सकता है, इसके दो टाइप्स हैं। सबसे पहला है डिस्काउंट ऑन प्रीमियम, यानी जो भी हर साल आप रिन्यूअल का प्रीमियम पे करते हैं उस पर आपको कुछ डिस्काउंट दे दिया जाता है क्योंकि आपने पिछले साल क्लेम नहीं लिया है, जिससे आपका जो एनुअल प्रीमियम है सेम सम इंश्योर्ड के लिए थोड़ा सा कम हो जाता है। अब ये बेनिफिट जो है, लगातार अगर आपके कई साल क्लेम फ्री ईयर हो जाते हैं तो आपका मैक्सिमम 50% तक प्रीमियम वेव ऑफ हो सकता है एक NCB के रूप में। दोस्तों, दूसरी तरह से जिस तरह से NCB आपको मिलता है वो है आपका क्यूमुलेटिव बोनस, यानी कि जो सम इंश्योर्ड आपको मिलता है एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, उस अमाउंट को बढ़ा दिया जाता है हर क्लेम फ्री ईयर के बाद। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपकी पॉलिसी में 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है और अगले साल आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया है, और आपकी पॉलिसी में जो नो क्लेम बोनस है वो 10% है, यानी कि 5 लाख रुपए का 10% 50,000 रुपए आपकी सम इंश्योर्ड की लिमिट में और बढ़ जाएंगे। अब वो 5 लाख ना रह के 5.5 लाख रुपए हो जाएगा। ऐसे ही आप हर साल अपना सम इंश्योर्ड बढ़ाते रहते हैं सेम प्रीमियम के लिए, इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। आप ये मैक्सिमम अपना 50% या 100% तक भी बढ़ा सकते हैं, ये लिमिट आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में मेंशन होती है। दोस्तों, अब जानते हैं इसके बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट ये है कि नो क्लेम बोनस ट्रांसफरेबल है, यानी अगर आपने किसी कंपनी में रहकर बिना कोई क्लेम लिए 4-5 साल काफ़ी सारा नो क्लेम बोनस अगर आपने इकट्ठा कर लिया है और उसके बाद आप अपने इंश्योरेंस कंपनी अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये नो क्लेम बोनस आपको साथ में ही ट्रांसफ़र वहां पे आप कर सकते हैं, और नई इंश्योरेंस कंपनी में भी आपका जो क्यूमुलेटिव सम इंश्योर्ड है, यानी सम इंश्योर्ड प्लस में नो क्लेम बोनस, वहीं से आपकी शुरुआत होगी। एग्जाम्पल से इसे समझें तो मान लीजिए आपका 5 लाख रुपये सम इंश्योर्ड था और 3 लाख रुपये आपने नो क्लेम बोनस इकट्ठा किया है और उसके बाद आप अपनी कंपनी चेंज करना चाहते हैं, तो नई कंपनी में जब आप सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए का लेंगे, उसी का प्रीमियम आप पे करेंगे, तो भी नो क्लेम बोनस 3 लाख रुपए आपके पहले दिन से वहां पे आपको बेनिफिट उसका मिलेगा, तो आप नो क्लेम बोनस को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 2, हर इंश्योरेंस कंपनी NCB नहीं देती है। ये आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आपको मेंशन मिलता है या फिर आपके इंश्योरेंस कंसल्टेंट से भी आप पूछ सकते हैं। अगर जो इंश्योरेंस कंपनी NCB का स्लैब आपको मेंशन करती है उसे आप ज़रूर पढ़ें, हर साल आपको कितना मिलेगा और मैक्सिमम किस लिमिट तक आप अपना NCB इकट्ठा कर सकते हैं, ये आप ज़रूर चेक कर लें। तीसरा और आखिरी पॉइंट आता है दोस्तों, क्योंकि नो क्लेम बोनस की वजह से आप अपने सम इंश्योर्ड को डबल भी कर सकते हैं और अपने प्रीमियम को आधा भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना वजह कोई छोटे मोटे क्लेम के पीछे आप अपना NCB ना खराब करें या ज़बरदस्ती क्लेम ना लें, ताकि किसी भी बड़ी इमरजेंसी के टाइम पे आपको काफ़ी सारा सम इंश्योर्ड मिले और आपकी सम इंश्योर्ड की लिमिट भी कम नहीं पड़ेगी और ये आपके प्रीमियम को भी काफ़ी सालों तक बचाता रहेगा। दोस्तों, अब आप NCB को अच्छे से समझ गए हैं तो अब इसके हर बेनिफिट को आप यूज़ कर पाएंगे और किसी भी तरह की इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, जो भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम का 1-1 रुपया जो इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं उसकी काफ़ी वैल्यू है और आपको उसका पूरा यूज़ करना चाहिए सही जानकारी के द्वारा। तो दोस्तों, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।